बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां नौगावा सादात कस्बे में बीते शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों से मिलने पहुंचे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के सांसद और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल तक जब आप नहीं आए तो अब क्या लेने आए हो। दानिश अली की गाड़ी को घेर कर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने का प्रयास भी किया गया। वहां पर कई युवक गुस्से में दिखाई दिए, वो दानिश अली को गाड़ी से उतारने की भी कोशिश कर रहे थे। दानिश अली पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे हमारे इलाके में सिर्फ 2 लाइट लगाकर 5 साल गायब रहे, तो हम लोग उनको वोट क्यों दें। दानिश अली के द्वारा वहां से खुद को सुरक्षित करके निकल जाने का वीडियो सामने आया। पुलिस की ओर से बताया गया कि अगर कोई तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। दानिश अली, जो कि पहले BSP के नेता हुआ करते थे, इस बार उन्होंने BSP से नाता तोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लेकिन उन्हें अपने इलाके में कैसे विरोध का सामना करना पड़ा, ये आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे 5 साल का गायब रहे और अब वोट मांगने के लिए किस मुंह से पहुंचे।